वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम जुलाई 2020 के टॉप 23 क्वेश्चंस को, जो कि 23 से 26 जुलाई के बीच में जो मेन न्यूज़ रही है, मेन करंट अफेयर्स रहे हैं, उनसे बने हुए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे ही सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उनके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उनके आसपास की जो न्यूज़ है, वो भी आप लोगों से डिस्कस करती चलूंगी। इससे पहले भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ जुलाई 2020 के जो मेन करंट अफेयर्स थे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना। बाकी आपको आज का सेशन पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा रहा टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ही मेन डिटेल्स, अपडेट्स, लिंक्स और कोई भी इंपॉर्टेंट पिक होती है तो आप लोगों को चैनल पर मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैज रिसेंटली बिकम द नंबर वन ऑलराउंडर आफ्टर बीइंग जेसन होल्डर इन द ICC टेस्ट रैंकिंग। अब भाई क्वेश्चन बोल ये रहा है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़ कर हाल ही में कौन नंबर वन ऑलराउंडर बन गया है। तो इसका आंसर है बेन स्टॉक्स। बेन स्टॉक्स ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं। अब अगर बात करें इसके आसपास की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद में बेन स्टॉक्स ने जेसन होल्डर को खेल में पछाड़कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड द अमेरिका टू क्लोज इट्स कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, जिसका आंसर है चीन। तो अमेरिका ने अपने ह्यूस्टन में जो उसका कॉन्सुलेट है उसको बंद करवा दिया। किस कंट्री के लिए? चाइना के लिए। अब बंद करवा दिया उन्होंने अपना कॉन्सुलेट, तो भाई चीन इस चीज़ को क्या ही मानेगा, इसको एक डिसरिस्पेक्ट ही तो मानेगा। तो चीन ने इसे अपना अपमान तरीके से माना है, जिससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते को ख़राब होने के और नुकसान पहुँचने के पूरे चांसेज हैं। क्लियर है? Now let's move on to the next question. Question number 3. In which country does the Indian Cricket Control Board want to organize the Indian Premier League IPL 2020? मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BSSI ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 को आयोजित करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। तो जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL 2020 को यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है। अब अगर बात करें इसी न्यूज़ के आसपास की थोड़ी फैक्ट्स की, तो एशिया कप और T20 विश्व कप कोरोना की वजह से अब रद्द हो गया है। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि IPL का जो 13वां एडिशन है, अब संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हु हैज़ बीन डेवलप्ड द अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। मतलब ये है कि अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसने डेवलप की है, जिसका आंसर है DRDO। ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है? और साथ में जो मैं आप लोगों के फैक्ट्स भी डिस्कस करती चलती हूँ न्यूज़ के, वो भी आप साथ में लिख लिया करें। उससे होगा क्या कि रिवीजन के टाइम आप करंट अफेयर और उसके फैक्ट्स आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। चलिए फिर से बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। अगर बात की जाए DRDO की, तो उसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप किया है। उसमें होगा क्या कि उस यूनिट के अंदर PPE सूट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख कर उन्हें वायरस से डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो ये फोटो में भी आप देख पा रहे हैं डिसइंफेक्शन यूनिट जो कि डेवलप की गई है DRDO के थ्रू, जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद।
मतलब ये है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के नए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, इसका आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ, जिन्होंने रिप्लेस किसे किया है, विक्रम सिंह को। चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब ये है कि किसने मानवता के लिए फर्स्ट गुलबेकियन प्राइज को जीता है, जिसका आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। अब अगर बात की जाए ग्रेटा की, तो स्वीडन की 17 साल की ग्रेटा थुनबर्ग ने क्लाइमेट चेंजिंग एनवायरनमेंट एक्टिविटी के लिए इस फर्स्ट गुलबेकियन प्राइज को जीता है, जिसके लिए इस अवार्ड के रूप में उन्हें 1 मिलियन यूरो की प्राइज दी गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि किसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का CMD नियुक्त किया गया है, जिसका आंसर है सुमित देव। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड, मतलब ये है कि हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया था, जिसका आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया था। अब अगर बात की जाए इस न्यूज़ के फैक्ट की, तो नेशनल ब्रॉड डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इस दिन ईयर 1927 में, मतलब 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो में एड किया था। तो ये तो बात हो गई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की। बाकी जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट हुए हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगी। चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप, मतलब ये है कि हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ रही थी, आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा। इसका आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं, अब रोजगार की बारी है एक्टर सोनू सूद का, ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड दी फर्स्ट स्टॉप शॉप स्कीम टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट, मतलब हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च दी गोधन न्याय योजना, मतलब कि हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रिसेंटली विच पेमेंट ऐप हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट नंबर लेस कार्ड, मतलब ये है क्वेश्चन का कि हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो पेमेंट ऐप कौन सा है, तो उसका आंसर है फैमपे। फैमपे, इस कार्ड में कोई नंबर नहीं होगा, ना ही कोई अकाउंट की ज़रूरत होगी। इसमें क्या ज़रूरत है कि इस बैंक का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोरोना वायरस के समय लोगों में कैशलेस जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जा सके। अब बात की जाए अगर पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्टार्टिंग IIT रुड़के जो दो पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम कुश तनेजा और सवन जैन है, ने 2019 में उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। बाकी बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है। अब अगले करंट अफेयर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के लिए आधारशिला रखी है। तो जिसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जलापूर्ति के लिए इस परियोजना की आधारशिला रखी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स Taiwan 1। अभी क्वेश्चन पूछ आपसे ये रहा है कि हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Taiwan 1 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है चीन। अभी हाल ही में मंगल के लिए अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन Taiwan 1 को लॉन्च किया है चीन ने। बाकी बात की जाए चाइना की, चीन की, तो
चाइना ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के नाम से एक रॉकेट भी लॉन्च किया था। इस बार के जो 19th एशियन गेम्स होंगे 2022 में, वो भी चाइना में होंगे। थर्ड पॉइंट अगर नोट किया जाए तो विंटर ओलंपिक्स 2022 वो भी चाइना में ही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। विच एम्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ स्मार्ट रिस्ट बैंड टू ट्रैक COVID-19 पेशेंट। मतलब कि हाल ही में किस एम्स ने COVID-19 के जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड का लॉन्च किया है। तो जिसका आंसर है नागपुर। अब अगर इस गजब सी स्मार्ट रिस्ट बैंड की बात की जाए कि अगर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है, तो उसको डेवलप किया है दो डॉक्टर्स ने, जिनका नाम है डॉक्टर मयूर पराते और डॉक्टर अंकित बुराने। तो इन दो डॉक्टर्स का कहना ये है कि जो स्मार्ट रिस्ट बैंड है, ये COVID-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए इसमें जो पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे उनको ये ट्रैक कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर किसी को भी हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लगते हैं तो उसको भी ये रिस्ट बैंड ट्रैक कर पाएगी। बाकी अगर बात करें एम्स की, तो उसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये एक कोलैबोरेशन है IIT जोधपुर और IIT नागपुर का, जिसके अंदर उन्होंने ये स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट रिसेंटली। मतलब ये है कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। जिसका आंसर है BOB, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उन्होंने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या, इंस्टा सेविंग अकाउंट में इसमें ऑनलाइन ही आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। सिर्फ आपको KYC करवानी पड़ेगी, बाकी सारा काम ऑनलाइन होगा। अच्छा, बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बड़ौदा गुजरात में। बड़ा ही सही ये इनिशिएटिव है। इसके अंदर आप लोगों के 4 क्लिक के अंदर आपका इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। नो चिक चिक नो जिक जिक, सीधा ही आपका आपके फ़ोन से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट चालू हो जाएगा। चलो अब बात सुन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच इज़ दी 87th कंट्री टू ज्वाइन दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 87वां देश कौन सा बना है। जिसका आंसर है निकारगुआ। निकारगुआ मध्य अमेरिका देश का निकारगुआ गणराज्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 87th कंट्री बनी है। अगर अब बात की जाए इस न्यूज़ के आसपास की थोड़ी सी फैक्ट्स की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो स्टार्टिंग है वो नवंबर 2015 में पेरिस में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसियो होलैंड के थ्रू किया गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच कंट्री विल डेवलप अ 32nd फास्ट COVID-19 टेस्ट। भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से देश ने 30 सेकेंड का तेज COVID-19 परीक्षण को विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भारत और इसराइल। हाँ, भारत और इसराइल ने 30 सेकेंड का तेज COVID-19 का जो परीक्षण है उसको विकसित करने के लिए कहा है। अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश की करंट सिचुएशन क्या है। कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारे देश में है, उसकी वजह से मामले भारत के अंदर इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। इसमें क्या किया है कि भारतीय अधिकारियों ने अब एक टेस्ट पर काम किया है, जिसके अंदर 30 सेकंड में ही रिजल्ट मिल जाएगा कि जिसका भी टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड रैंकिंग सिस्टम। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और रैंकिंग सिस्टम को विकसित किया है। जिसका आंसर है दिंगतरा। सो दिंगतरा स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड रैंकिंग सिस्टम। मतलब ये है कि दिंगतरा नाम का एक स्टार्टअप भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और रैंकिंग सिस्टम का विकसित किया है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये सिस्टम काम किस चीज़ पर करता है, तो ये सिस्टम लिडार टेक्निक के ऊपर काम करता है, मतलब लाइव डिटेक्शन एंड रैंकिंग टेक्निक। ठीक है, एंड विच विल प्रोवाइड ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज बाय डेवलपिंग अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट नमो सैटेलाइट इन LEO लो अर्थ ऑर्बिट एंड द स्टार्टअप बाय अनिरुद्ध शर्मा एंड राहुल रावत इन 2018।
चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वेयर हैज DRDO सेट अप द COVID-19 टेस्ट फैसिलिटी। मतलब ये है कि DRDO ने कहाँ पर COVID-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है, जिसका आंसर है ले। ले में जो DRDO है उनका सेटअप COVID-19 टेस्ट फैसिलिटी के लिए स्टार्ट किया गया। अब आप क्लास खत्म होने के बाद एक काम और करेंगे कि DRDO की फुल फॉर्म आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी DRDO की फुल फॉर्म क्या होगी वो कमेंट ज़रूर करना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच कंट्री इंडिया विल हैंड ओवर 10 बोर्ड गेज डीजल लोकोमोटिव्स। मतलब कि किस देश को भारत ने 10 बोर्ड गेज डीजल इंजनों को सौंपा है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को भारत ने 10 बोर्ड गेज डीजल लोकोमोटिव्स को सौंपा है, हैंड ओवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। मतलब कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कर्मचारी अधिकारी कौन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 23rd क्वेश्चन की। अंडर विच प्रोग्राम फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट IND इन एंड SAT SAT 2020 has been conducted। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि किस कार्यक्रम के तहत पहले इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट इन और SAT 2020 को कंडक्ट किया गया है, जिसका आंसर है स्टडी इन इंडिया। अब इस न्यूज़ के आसपास के थोड़े से फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट में भारत के प्रोग्राम में स्टडी इन इंडिया को 22 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। सेट 2020 वाज हेल्ड इन रिमोट डॉक्टोरेट मोड एंड वाज एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NTA। बाकी इस प्रोग्राम को कंडक्ट किसने करवाया था, तो मिनिस्ट्री HRD ने इस प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया को कंडक्ट करवाया था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आपके मेन करंट अफेयर्स जुलाई 2020 के 23 से 26 तारीख के बीच में, जो भी मेन न्यूज़ रही है उससे बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक टुडेज सेशन देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो लोग चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।